राजस्थान देश के उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां वैक्सीनेशन का दौर सबसे तेज गति से चल रहा था, लेकिन जब से 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने का सरकार की ओर से निर्देश मिला है, उसके बाद राजस्थान में यह गति कुछ हद तक धीमी पड़ गई, क्योंकि वैक्सीन वक्त पर यहाँ पर नहीं मिल रही थी। सबसे बड़ी बात है, राजस्थान सरकार की माने तो 3,25,00,000 लोग ऐसे हैं जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, और उन्हें सरकार ने अपने खजाने से वैक्सीन लगाने का ऐलान किया था, लेकिन 8 दिन हो गए हैं, केवल 4,00,000 लोगों को ही, ऐसे 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लग पाई है, क्योंकि वैक्सीन जिस संख्या में यहाँ मिल रही है वह शायद सरकार के हिसाब से नाकाफ़ी है। हर रोज़ राजस्थान में 5,00,000 से ज़्यादा वैक्सीन लगाए जा रहे थे पहले, लेकिन वैक्सीन नहीं था तो सरकार को 20% सेंटर बंद करने पड़ गए थे। अब 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए अलग सेंटर बनाया गया है, क्योंकि राजस्थान सरकार के पैसे से वैक्सीन खरीदी जा रही है, और 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए अब अलग सेंटर है। तो ऐसे में सेंटर भी अब कम हो गए हैं और लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि युवाओं को समझ में आने लगा, लोगों को समझ में आने लगा है कि वैक्सीन ही अब एकमात्र जरिया जिससे कोरोना संक्रमण से बचा जा सके, और यही कारण है कि जहाँ पर भी वैक्सीन लगाया जा रहा है वहाँ पर लोगों की काफ़ी तादाद नज़र आ जाती है, और ये सभी लोग वैक्सीन के प्रति अब शायद काफ़ी हद तक जागरूक भी हो गए हैं। शुरुआती दिनों में जिस तरह से वैक्सीन को लेकर भ्रांतियाँ थी, अलग अलग तरीके की बातें सुनने को मिलती थी, अब कम से कम लोग मानने लगे हैं कि वैक्सीन ही उनकी जान बचाने में सबसे ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है। लेकिन राजस्थान को हर रोज़ 5,00,000 से ज़्यादा वैक्सीन चाहिए यदि उसी रफ्तार में वैक्सीनेशन की गति को बरकरार रखना है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, सरकार के पास वैक्सीन वक्त पर नहीं मिल पा रही है। राजस्थान के अधिकारी लगातार केंद्र के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ, वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के साथ संपर्क में हैं। कंपनी ने भी कहा है कि वह लगातार वैक्सीन की संख्या में इजाफा करने की अपनी ओर से कोशिश करेगी, वक्त पर भेजने की कोशिश करेगी, लेकिन वैक्सीन की फ़िलहाल तो जो स्पीड है, राजस्थान में वैक्सीन कम मिलने के कारण काफ़ी धीमी है, फिर भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं और अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।